आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप इंडसइंड बैंक की नेट बैंकिंग घर बैठे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तब आपको नेट बैंकिंग का यूजर आईडी तुरंत ही बनाने के लिए मिलता है और आप तुरंत बना लेते हैं और एम पिन सेट कर लेते हैं, तब आप अपनी मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करना है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को देखकर आप मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। और डेबिट कार्ड कैसे अप्लाई करना है इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और जैसे ही आपका डेबिट कार्ड अप्लाई करेंगे डेबिट कार्ड आपका आ जाएगा, उसके बाद आप अपना नेट बैंकिंग भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास यूजर आईडी है पासवर्ड नहीं है तो आप अपना डेबिट कार्ड के थ्रू अपना पासवर्ड फॉरगेट करके लॉगिन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे आप नेट बैंकिंग एक्टिवेट करेंगे। अगर आपके पास यूजर आईडी है तो कैसे आप अपना पासवर्ड फॉरगेट करेंगे और कैसे आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको लाइव करके दिखाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडसइंड बैंक की इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने के लिए आपको इंडसइंड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसके लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई एक ब्राउजर ओपन करेंगे। मैं आपको सर्च करना है indusind.com, फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके भी डायरेक्ट आप इंडसइंड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे इस वेबसाइट पर आएंगे कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने के लिए। राइट साइड में आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप खुलकर आ जाएगा नेट बैंकिंग लॉगिन और रजिस्टर का। अगर आप फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, व्यू एंड ट्रांजेक्शन और व्यू ओनली। अगर आप व्यू एंड ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे तब आपको डेबिट कार्ड का जरूरत पड़ेगा और यहाँ पर आपको अपनी डेबिट कार्ड और अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ेगी और इसको आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप व्यू ओनली करते हैं तब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट का डिटेल देना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड नंबर। अगर आप यहां पर व्यू करेंगे यानी आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आप दोस्तों ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तब आपका नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी तुरंत ही आपको बनाने के लिए ऑप्शन मिल जाता है जब आप अकाउंट ओपन करेंगे उसी टाइम पे, बट आपको पासवर्ड नहीं मिलता है। तो पासवर्ड आपको कैसे मिलेगा, आप अपना मोबाइल बैंकिंग पहले एक्टिवेट करेंगे और वहां से आप डेबिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपके मोबाइल बैंकिंग में डेबिट कार्ड आ जाएगा। इस पर एक से अलग सी वीडियो मैं बना चुका हूं कैसे आप मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप डेबिट कार्ड अप्लाई करेंगे। वहां से आप पहले अपना मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर लीजिए और डेबिट कार्ड अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आपको यूज़र आईडी तो पहले से मिला रहेगा। अगर आपको यूज़र आईडी नहीं मिलता है तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप नेट बैंकिंग के लॉगिन पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन फॉरगेट योर यूज़र आईडी। गेट योर यूज़र आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर, नीचे यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सबमिट करना है, आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के सबमिट कर देंगे तो जो आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड रहेगी तो आपके उसी ईमेल आईडी पर आपका यूज़र आईडी सेंड कर दिया जाएगा। जैसे यूज़र आईडी मिल जाएगा उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड की आती है तो लॉगिन पासवर्ड पर आप यहाँ फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी होती है कि आपकी यूज़र आईडी आपने क्या बनाई थी, तो यहाँ पर यूज़र आईडी डालेंगे, उसके बाद यहाँ सबमिट करेंगे। बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से स्क्रीन आएगा, यहाँ पर आपको अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल डालनी है। सबसे पहले आपको अपना डेबिट कार्ड का नंबर डालना है, नीचे आएंगे यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का पिन डालना है। इंडसइंड बैंक का डेबिट कार्ड का पिन ऑनलाइन कैसे जनरेट करना है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को देख के आप अपने इंडसइंड बैंक के डेबिट कार्ड का पिन बना सकते हैं। उसके लिए आपको ब्रांच या फिर एटीएम मशीन पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट डालनी है, मंथ मिलेगा मंथ, उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर मिल जाएगा तो यहाँ से ईयर चूज करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको कार्ड वैल्यू डालनी होती है, जो आपके बैक साइड में कार्ड वैल्यू रहता है CVV कोड 3 डिजिट का, वही आपको यहाँ पर डालना होता है। तो हमारे में जो है हम यहाँ पर डाल देंगे। नीचे आएंगे जो यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर डालेंगे। अगर हम OTP नहीं आता है तो रिसेंट SMS OTP पर क्लिक करके आप दोबारा OTP मंगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ कन्फर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, आपका OTP वैलिडेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको नया पासवर्ड सेट करना होता है, लॉगिन पासवर्ड। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो लॉगिन पासवर्ड आपका रहेगा अल्फा न्यूमेरिक रहेगा। हालांकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन या फिर नोट नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक रखना है, यानी आपका नाम और एक स्पेशल कैरेक्टर और आपका नंबर, तीनों चीज़ होना चाहिए। सेम पासवर्ड को आपको नीचे डालना है जो ऊपर पासवर्ड बनाएंगे,
और उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, यहाँ पर आपका सक्सेसफुली पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी यूज़र आईडी भी एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपके सामने नया पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी है, जो यूज़र आईडी आपकी रहेगी, और नीचे आएंगे यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होता है, जो आपने पासवर्ड अभी बनाया है उस पासवर्ड को डालेंगे। नीचे यहाँ पर आपको अकाउंट समरी मिल जाएगी, फंड ट्रांसफ़र या फिर सर्विस रिक्वेस्ट, यहाँ पर अकाउंट समरी रख देंगे। उसके बाद यहाँ साइन इन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप साइन इन करेंगे तो फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन सेटअप करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपका बेस्ट फ्रेंड का फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम डाल दूंगा। उसके बाद आपकी सिटी का आ जाएगा कि होम टाउन सिटी आपकी कौन सी है। उसके बाद आपका पेट नेम कौन सा है, तो यहाँ पर पेट नेम डाल देंगे। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आप एक्सेप्ट करेंगे। सिक्योर नाउ सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आप सिक्योर नाउ सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है, या फिर ओटीपी नहीं आता तो रिसेंट एसएमएस ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा ओटीपी मंगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म करेंगे तो ये जो आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन है ये वैलिडेट होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं थैंक यू हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड योर, यहाँ पर सक्सेसफुली आपका जो लॉगिन आईडी है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपका सेशन एक्सपायर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर आपको लॉगिन टू नेट बैंकिंग पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना नेट बैंकिंग अगेन लॉगिन करना होगा। इससे आपका लॉगिन आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद अगेन आपको लॉगिन करना है, लॉगिन पेज पर आना है, और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है, जो आपने पासवर्ड सेट किया था। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। साइन इन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप साइन इन करेंगे यहाँ पर आपके सामने आपका WA बैंकिंग यानी व्हाट्सएप बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन का आएगा, इसको आप स्किप कर देंगे और यहाँ पर आप ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इंडसइंड बैंक की नेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा कि आपके अकाउंट पर कितना बैलेंस है, आपका अकाउंट का टाइप कौन सा है। हमारा अपस्टॉक सेविंग अकाउंट है तो अपस्टॉक सेविंग अकाउंट शो हो रहा है। अगर आपका नॉर्मली सेविंग अकाउंट रहेगा तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट यहाँ पर शो होगा। उसके बाद नीचे ऊपर आएंगे कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सर्विसेज मिल रही हैं। जैसे अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट आ जाएगा। कार्ड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट से जो भी डेबिट कार्ड लिंक रहेगा, डेबिट कार्ड्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ फंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करके यहाँ से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद 30 मिनट के या फिर एक घंटे के बाद आपका बेनिफिशियरी अप्रूव हो जाएगा, और जिसको भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बिल पेमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। देख सकते हैं कि आपका बिल पेमेंट पेज आ जाएगा। यहाँ रिचार्ज पर क्लिक करके यहाँ से आप रिचार्ज या फिर DTH रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको शेड्यूल पेमेंट करना है तो यहाँ पर शेड्यूल पेमेंट कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप शेड्यूल पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्स पर क्लिक करके यहाँ से आप बिल्स वगैरह पेमेंट कर सकते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ से आप किसी चीज़ की सर्विस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको चेकबुक चाहिए तो चेकबुक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट चाहिए तो यहाँ से आप स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपकी ईमेल आईडी पर स्टेटमेंट सेंड कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पर आपको व्हाट्सएप बैंकिंग इस्तेमाल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ से व्हाट्सएप बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ से आप म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ से आप अपना अकाउंट का स्टेटमेंट वगैरह निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंक्वायरी सर्विस रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रेफरेंस मिलेगा, ऑनलाइन प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके अकाउंट की डिटेल आ जाएगी, आपका डेबिट कार्ड का नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका मेलिंग एड्रेस आ जाएगा, आपकी ईमेल आईडी वगैरह। यहाँ से आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको BBPS की फैसिलिटी मिलेगी। BBPS में यहाँ पर दोस्तों आपको सभी प्रकार के बिल पेमेंट की फैसिलिटी मिलती है। जैसे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर फास्टैग, इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस, LPG गैस, लोन, लाइफ इंश्योरेंस, जिस चीज़ का आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर फास्टैग का करना है तो फास्टैग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर आपको बिलर सेलेक्ट करना है कि कौन से आप बिल से पेमेंट करना चाहते हैं, एक्सिस बैंक फास्टैग है या फिर पेटीएम का है, जो भी रहेगा तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है तो इलेक्ट्रिसिटी सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको बिल सेलेक्ट करना है, ये आपका रूरल है अर्बन है, उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पर आपको अपना पे का मोबाइल नंबर डालना है, IVRS नंबर होता है उसको डालेंगे, सबमिट करेंगे और जितना भी आपका बिल का पेमेंट रहेगा यहाँ से आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ऑफर्स पर क्लिक करके यहाँ से ऑफ़र वगैरह चेक कर सकते हैं। ASBA है, यहाँ से आप ASBA में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर आप अकाउंट्स पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से जैसे लॉकर को बुक करना है तो लॉकर को बुक कर सकते हैं। वीडियो ब्रांच की फैसिलिटी मिलती है, यहाँ से आप वीडियो ब्रांच की फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपको मनी ऐड करना है तो ऐड मनी पर क्लिक करके यहाँ से आप मनी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इंडसइंड बैंक की इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसमें आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं Nilesh094, या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।